गाइस तो कैसे हो? तो मैं वापस आ गया एक और नया वीडियो लेके माइनक्राफ्ट सर्वर के ऊपर। तो आज हम लोग बात करने वाले एक और नया माइनक्राफ्ट सर्वर के ऊपर, जिसपे आप लोग को मिल जाएगा 4 GB RAM, 100% CPU, 10 VTechs, और इनका लोकेशन भी आप लोग को इंडिया का मिल जाएगा। ज्यादा देर में आप लोग का टाइम वेस्ट करते हो तो हम लोग चलते पहले इनका डिस्कॉर्ड के बारे में बात करते हैं। तो चलते पहले हम लोग मेन स्क्रीन, होम स्क्रीन मेरा, तो तो यहाँ पे आके मैं अपना होम स्क्रीन में तो चलता हूँ यहाँ इनका डिस्कॉर्ड का ऊपर। तो इनका डिस्कॉर्ड का नाम है ईलाइट होस्टिंग। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे सर्विस दिख रहे हैं ईलाइट होस्टिंग पे, जहाँ पे आप लोगों को फ्री में सर्वर मिल जाएगी। PPS आप लोग को परचेस करना हो तो PPS परचेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इनका डैशबोर्ड सबका लिंक मिल जाएगा, फ्री डैशबोर्ड, फ्री पैनल का लिंक। चाहे तो आप इधर नीचे आके इनका पेड प्लान पे आप लोग पेड प्लान ले सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो ये सिंपली इनका स्टार्ट है 200 के अंदर। और यहाँ पे आप लोग को सर्विस मिल जाता है अगर सेटअप कराना हो तो, फिर सेटअप का सर्विस मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनलिमिटेड प्लान भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप कुछ सर्वर बनाते हो तो फिर चाहिए होता है तो यहाँ से अनलिमिटेड प्लान ले सकते हो। और यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो फ्री प्लान पे आप लोग फ्री ले सकते हो। अगर बूस्ट करते हो तो बूस्ट पे आप लोग को सर्वर मिलता है, या फिर इनवाइट करते हो तो इनवाइट करने पे आप लोग को कॉइन मिलता है। तो कॉइन से आप लोग अपना सर्वर को अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड करते हो तो आप लोग का सर्वर और बड़ा होता जाएगा रैम सब। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 GB RAM, 100% CPU, 10 VTechs आप लोग को यहाँ पर फ्री में मिलता है। और इधर आप लोग को नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को इनका डोमेन मिल सकता है। डोमेन अगर आप लोग को चाहिए तो यहाँ से आप लोग इनका डोमेन ले सकते हो। और अगर आप लोग बहुत नीचे जाओ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो VPS लोग साथ में सेलिंग करते, तो VPS अगर ले सकते हो तो ले मतलब आप लोग कुछ होस्टिंग करना हो तो होस्टिंग के लिए VPS चाहिए हो तो VPS आप लोग यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे आप लोग नीचे में आप लोग को RDPS भी मिल जाता है। अगर RDPS चाहिए तो RDPS भी आप लोग ले सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो 400 में आप लोग का यहाँ पे RDPS स्टार्ट है सिर्फ। और यहाँ पे चलता हम लोग फ्री प्लान पे, तो फ्री प्लान पे आप लोग लिंक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को पहले ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा डिस्कॉर्ड के थ्रू। अगर आप लोग को ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा पहले डिस्कॉर्ड के अंदर। तो ज्वाइन से हो जाएगा तो वापस आप लोग इधर चले जाएगा अपना उस लिंक के अंदर। लिंक पे जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन विद डिस्कॉर्ड दिख रहा होगा, तो लॉगिन विद डिस्कॉर्ड पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग का लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉगिन होने का वेट कर दीजिए थोड़ी देर, तो यहाँ पे ऑथराइज का ऑप्शन आएगा तो ऑथराइज क्लिक कर दीजिएगा थोड़ा नीचे करके। तो ऑथराइज पे आप लोग जैसे क्लिक कर देंगे तो आप लोग का लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को एक सर्वर मिल रहा है फ्री में। तो यहाँ पे 4 GB RAM, 100% CPU, 10 VTechs आप लोग को मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसमें कंट्रोल पैनल ये सब है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे सर्वर जो सर्वर आप लोग को दिख रहा हो मेरे पास नहीं, तो यहाँ पे आप लोग पहले क्रिएट कर लीजिए एक सर्वर को। और आप लोग यहाँ पे कुछ भी नाम रख दीजिए जो आप लोग का नाम रखने का मन है। तो मैं भी कुछ भी रख दे रहा हूँ, जैसे मैं रख देता हूँ यहाँ पे हीरो प्राइम रख देता हूँ जो, अरे कुछ हीरो प्राइंट। और इधर आप लोग को नीचे भी कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिंपली आप लोग नीचे जाना ना, इधर लोकेशन दिख रहा होगा तो लोकेशन आप लोग क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर स्लॉट अभी फुल दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे स्लॉट खाली होते रहता है डेली, तो आप लोग को उसका चिंता नहीं करना है। तो आप लोग को मिल जाएगा हम से 1-2 दिन के अंदर। तो यहाँ पे क्रिएट पे आप लोग क्लिक कर देना है। क्रिएट पे आप लोग जैसे क्रिएट क्लिक करोगे
तो यहाँ पे आप लोग का सर्वर क्रिएट हो रहा होगा, तो क्रिएट हो गया हम लोग का सर्वर। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का स्लॉट अभी फुल है, तो कुछ दिन में हम लोग का हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोग का यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, आप लोग इधर चला जाना है। जैसे मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे मैं इधर जाऊँगा, तो आप लोग को दिख रहा होगा सेटिंग और कंसोल। कंसोल पे आप लोग को चला जाना है। कंसोल पे आप लोग ईमेल दिख रहा होगा, ईमेल पे आप लोग कॉपी कर लीजिएगा और पासवर्ड रिसेट पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। मैं पहले पासवर्ड रिसेट कर चुका, तो मैं वापस नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं काट के चलता हूँ वापस इनके पैनल कंट्रोल ओपन कर दो पाए, तो यहाँ पे मैं वापस अपना वो डाल देता जो पासवर्ड सब मुझे मिला था। तो ये सब डालने का, तो ये देख सकते हैं हमारा सर्वर है यहाँ पे वाइट करके रीनेम मैंने कर दिया था। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सर्वर को कर देता है स्टार्ट। तो जब तो हम लोग का सर्वर हो रहा है स्टार्ट, तो दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और उनका डिस्कॉर्ड भी जरूर ज्वाइन हो जाएगा। नहीं, अपडेट चाहिए तो ऐसे मेरे डिस्कॉर्ड में भी ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अपडेट आता है न्यू सर्वर के ऊपर। यहाँ पे पहले एक ऑथराइज मांगेगा, तो ऑथराइज पे क्लिक कर दीजिएगा, एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है स्टार्ट होने में। तो यहाँ पे हम लोग का लगभग सर्वर हो गया है स्टार्ट। तो चलते फाइल के अंदर और चलते हैं। यहाँ पे हम लोग सर्वर प्रॉपर्टीज में, सर्वर प्रॉपर्टीज में जाके आप लोग को ऑनलाइन मोड को कर देना है फॉल्स। तो फिर से ऑनलाइन मोड हम लोग का कहाँ पे है, ये रहा मेरा ऑनलाइन मोड, तो इसको कर देता फॉल्स। ये करने वाला आप लोगों को जो प्लगइन डालना है, तो प्लगइन पे साथ में डाल दीजिए उसका, तो स्टार्ट वापस मार दीजिएगा। जैसे मुझे वीरा वर्जन ये सब डालना है, तो ये सब मैं डाल देता हूँ पहले सेलेक्ट करके। और यहाँ पे हम लोग का हो रहा है अपलोड, तो आप लोग का जैसा साइज है उस हिसाब से आप लोग का अपलोड होगा, या फिर इंटरनेट स्पीड आप लोग का मायने रखता है, जैसा स्पीड चलता है आपका। यहाँ पे हम लोग का सारा अपलोड हो गया, तो चलते हैं वापस कंसोल पैनल पे और एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ से आप लोग को एक बार आईपी को कॉपी कर लीजिएगा अपना। आईपी को कॉपी करने के बाद वापस आप लोग को फाइल में जाना है। तो यहाँ पे हम लोग का रिस्टार्ट हो गया, तो चलते हैं फाइल के अंदर वापस। फाइल में जाके प्लगइन में जाना है, प्लगइन में जाके गीजर स्प्लिट पे जाना है, जहाँ पे आप लोग सेटअप करना होता है गीजर वालों के लिए। आप लोग पता होगा तो जो पॉकेट प्लेयर है उन लोगों के लिए ज्वाइन के लिए सेटअप करना होता है। अगर नहीं पता है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस आईपी रहेगा पोर्ट रहेगा, उसको काट के आप लोग को जो पोर्ट आपको मिला है वो पोर्ट को डालना है। और यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है, और यहाँ पे एड्रेस में आप लोग को दिख रहा होगा ऑटो करके लिखा होगा, तो उसको काट के जो आपका आईपी एड्रेस है उसको डाल देना, और उसका आईपी को काट देना, सिर्फ एड्रेस ना रह देना है। तो ये करने के बाद आपको नीचे एक और पोर्ट दिख रहा होगा, सिर्फ 7 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को एक और नीचे में दिख रहा होगा, तो उसको फ्लूट गीजर आप लोग सेटअप कर देना, और थोड़ा इस पर कुछ होगा। तो ये सब करते आप लोग उसको सेव करके सर्वर को एक और बार रिस्टार्ट कर देना। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट, तो चलते हम लोग
ज्वाइन होके देखते हैं। ठीक है, इसके पीएल करके आप लोग प्लान चेक कर सकते हो, तो मैं चेक कर लिया, मैंने अपडेट कर दिया सब कुछ। यहाँ पे आ गया मैं गेम के अंदर, तो चलते हैं अपना आईडी एड्रेस सब डाल के अपना पेस्ट करता हूँ। नीचे वाला पोर्ट को कर दीजिए, आपका पोर्ट मिला है, पोर्ट को डाल दीजिएगा और ऊपर से आप पोर्ट को काट देना। ये सब करने के बाद आपको कोई भी सर्वर का नाम लिख के सेव करके ज्वाइन करना। यहाँ पे हम लोग फ्रेंड हो गए, यहाँ पे सर्वर कितने लूट ले लिया, हम लोग का संख लूट ले लिया। तो देख सकते हो यहाँ का चैंक तुरंत मेरा लोड ले रहा था, यानी कोई सुधर नहीं हो रहा तुरंत। और यहाँ पे हम लोग आइस बायोमो बीच में आ गया, कोई नहीं तो चलते यहाँ पे ब्लॉक तोड़ के आगे चलते हैं। तो ये कौन सा डिजाइन का पेड़ है भाई, नया डिजाइन देखे चलता है। ये देख सकते कुछ लैग वैग तो नहीं हो रहा हम लोग का, इसलिए चल रहा तो चलते हम लोग अपना एडी अपना डाल देते हैं गेम, जैसे एडी भी सब कर सकते हैं। तो वापस कंसोल में चलते हैं, पॉपअप यहाँ पे बगल में मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पे सर्वर यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना आप लोग को ओपी स्पेस डाल के जो आप लोग का आईडी है। तो मेरा डॉट क्रेजी किलर डैश किलर 534 ये डाल के इंटर कर देता हूँ मैं, इंटर कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे मोड मिल गया सर्वर ऑपरेटिव मोड। तो अब जाते हैं गेम मोड क्रिएटिव करते हैं, प्लस गेम मोड क्रिएटिव इंटर। तो यहाँ पे हम लोग आ गए गेम मोड क्रिएटिव में, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना स्मूथली चल रहा है, कुछ लैग वैग तो नहीं कर रहा है मोड लोग का हम लोग का वो है। यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया तुरंत, कोई नहीं चलो तो चलते इधर थोड़ा और घूमते। तो यहाँ पे सिप विप है, मारना पसंद नहीं है तो चलते एक काम करते हैं, हाथ से नहीं मारेंगे लेकिन ये डाल सकते हो ई इंटर। ये क्या हो गया, मैं कैसे मर गया, मैं तो गेम मोड क्रिएटिव था, क्रिएटिव तो मरता नहीं है। क्या पूछा छोड़ो, तो यहाँ पे मैं वापस आ गया हूँ, तो चलता हूँ। अगर आप लोग को ये सब पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, मिलते हैं आप लोग से ऐसे न्यू न्यू वीडियो में और ऐसे न्यू न्यू अपडेट के लिए आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा सर्वर पे तो उनके डिस्कॉर्ड के सर्वर पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से ऐसे वीडियो में, तो मिलते हैं, बाय बाय।